आपने जो रिजाइन किया उसको सरकार एक्सेप्ट किया, अब क्या आप आगे सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप? बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है क्योंकि अब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, आप कंपेन करेंगे, लेकिन कश्मीर में जो अफवाह फैलती है वो कोई लोग सच मानते हैं और अफवाह बहुत तेज़ फैलती है कश्मीर में। आप पे ये एलिगेशन लग रहे हैं कि जो वर्कर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग आपसे ज्वाइन कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि आपके लोग कॉन्टेस्ट करने के बाद भाजपा को सपोर्ट करें, क्या पॉसिबल हो सकता है? उस मैनिफेस्टो में वो जो इंजीनियर रशीद साहब बात करते थे कि रायशुमारी, क्या वो उसमें है? सबसे पहले आप हमें दिखाइए कि रायशुमारी जो है उन्होंने किसी भी मैनिफेस्टो में आज तक पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं दिखाया। स्लोगन लगा देते हैं हक हमारा रायशुमारी, बिल्कुल वो सड़कों पर उतरते थे, वही उनको अरेस्ट किया जाता था, वो सेक्रेट में आता है, एनसी है, कांग्रेस ने अलायंस किया है, उनने कहा कि फिलहाल हम भाजपा को बाहर निकालें, अगर कल को एनसी और कांग्रेस को सीटों की जरूरत पड़ती है, आपके कैंडिडेटों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने की, क्या आप सपोर्ट करेंगे उनको? अलग है, कल को अपनी सरकार बनानी है जम्मू कश्मीर के लिए, पहले आपने ऑप्शन क्या रखा है, भाजपा को बाहर निकाला है कांग्रेस एनसी को बाहर? नहीं, दोनों को बाहर करना है, भाजपा को भी बाहर करना। अकेले सरकार बनाना आपका पॉसिबल नहीं है तो फिर किसके साथ आप जुड़ेंगे? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? हम एक अच्छी अपोजिशन में बैठेंगे, जरूरी नहीं है कि हम मतलब हमारे पास हम कोई एस्पायर नहीं करते हैं कि हमें कोई मतलब हुकूमत चाहिए, हम एक अल्टरनेट देख रहे हैं। मेरा एक अहम सवाल ये है कि कल को भाजपा और एनसी कांग्रेस सरकार बनाती है, आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्या आप मौका देंगे कि भाजपा की सरकार बनाए, ऐसा करेंगे आपकी मतलब उस टाइम आप जुड़ जाएंगे? लोकसभा इलेक्शन में कंपेन हुई, लोग आपसे जुड़े, आज हम देख रहे हैं उनको टिकट नहीं मिली, कुछ लोग आपसे नाराज है, कुछ ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी में ऐसे लोग भी शामिल हुए जो कल तक एनसी के साथ थे, पीडीपी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, यहाँ जिनका मॉरल जो कैरेक्टर है वो खराब है। शिबा नशाई है, उनने बड़े बयान दिए कुछ दिन पहले, उन्होंने बयान दिए, उन्होंने कहा कि जो इंद्र की पार्टी है ये अमित शाह की बैकिंग है, उसी अमित शाह की बैकिंग से ये लोग कंटेस्ट करा रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन, ये बाद में बीजेपी के साथ जुड़ने वाले। इमोशंस की बात जहाँ तक उमर साहब करते हैं, वो आपने कल गांधरबल में देखा होगा, मतलब किस तरह से टोपी उतार के वो किस तरह से भीख मांगते थे लोगों के को वोट के लिए, मतलब जिस वक्त अबरार जिस वक्त मतलब पार्टी के लिए इंजीनियर साहब के लिए एक 20-22 साल का लड़का जिस वक्त वोट मांगे तो उस वक्त इमोशनल। मेरे साथ इंजीनियर रशीद के भाई हैं खुर्शीद अहमद, जिन्होंने रिज़ाइन दिया और सरकार ने एक्सेप्ट भी किया, अब ये इलेक्शन के लिए कंपेन करेंगे या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, क्या कुछ आगे इनकी पॉलिसीज़ हैं, उन सब पे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, किस तरह देखते हैं आप? आपने जो रिज़ाइन किया उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया, अब क्या आप आगे सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप? जी देखेंगे, आगे पार्टी को बनाएंगे, इस वक्त ज़रूरत है और इलेक्शन लड़ना ना लड़ना ये पार्टी पर डिपेंडेंट है कि पार्टी का क्या डिसीजन होगा इस बारे में। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब नहीं है, लेकिन आप हैं उनकी जगह, तो आपका कॉन्टेस्ट करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जो बच्चे हैं इंजीनियर रशीद साहब के, जब वो एक वेव चली उस टाइम पे लोकसभा इलेक्शंस पे कि जेल के ताले टूटेंगे, इंजीनियर साहब छूटेंगे, क्या आपको लगता है वो नारा आज भी काम करेगा या आपको उतरने की ज़रूरत है उसमें? पार्टी पे डिपेंडेंट है कि पार्टी को कितनी ज़रूरत महसूस होती है मेरी, और पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्या मतलब बेटर रहेगा, तो कितनी अहमियत होगी ये पार्टी पे डिपेंड है। अब मुझे बताइए, आप दिल्ली से आए, क्या इंजीनियर रशीद साहब से बातचीत हुई इसके बारे में कि आपने किया, आपको आगे करना चाहिए? बिल्कुल, उनको पता है, उनको हमने बोला है कि इस तरह है, क्योंकि ये जो हमारे जो लंगेट के जो हमारे जो बॉडी है या जो लंगेट से बाहर जो पार्टी की जो कोर कमेटी है, उनका ये मतलब उनकी ये राय थी कि मैं रिज़ाइन करूँ, और रशीद साहब को भी उन्होंने जो ये है ये तजवीज़ दी थी और उन्होंने भी इस पर एग्री किया था, और उनको पता है और मतलब वो नो में है। लेकिन आप बोल रहे पार्टी डिसाइड करेंगे, अभी रशीद साहब नहीं है पार्टी में, तो आप हैं, अभी को हेड होना चाहिए, आपको लेना चाहिए डिसीजन क्या होना? नहीं, क्या पार्टी होना पार्टी का हेड रशीद साहब है और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, पार्टी की जो मतलब कोर कमेटी है, वर्किंग ग्रुप है, तो मैं पार्टी में बहसे एक अदना कारकुन। जो लोग आपके साथ जब लोकसभा इलेक्शन में कंपेन हुई, लोग आपसे जुड़े, आज हम देख रहे हैं उनको टिकट नहीं मिली, कुछ लोग आपसे नाराज़ है, कुछ ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी में ऐसे लोग भी शामिल हुए जो कल तक एनसी के साथ थे, पीडीपी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, यहाँ जिनका मॉरल जो कैरेक्टर है वो ख़राब है, उनको भी टिकट मिली, उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, कैरेक्टर किसी का ख़राब नहीं है, मैं ये वसूख के साथ दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। अलबत्ता कुछ लोग नाराज़ हैं, जाहिर सी बात है, मतलब सियासत में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 95% 96% जो हैं नए लोग, फ्रेशर्स हैं, इस पार्टी में आ रहे हैं, कुछ एक आध लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को पार्टी को चलाने के लिए एक्सपीरियंसड लोगों की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी जो एक्सपीरियंसड लोग हैं वो भी या तो उन्होंने इंजीनियर साहब को
पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है सपोर्ट किया या मतलब वो बेदाग हैं। जो शिबान अशाई है उन्होंने बड़े बयान दिए कुछ दिन पहले, उन्होंने बयान दिए, उन्होंने कहा कि जो इंद्र रशीद की पार्टी है ये अमित शाह की बैकिंग है, उसी अमित शाह की बैकिंग से ये लोग कंटेस्ट करा रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन, ये बाद में बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं। मतलब मैं ज़्यादा इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग इस वक्त बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या वो उनकी उनके साथ मतलब कोई सांठ गांठ है, या जो इस वक्त तिहार में रशीद साहब जो हैं, रशीद साहब जो तिहार में हैं उनके लिए मतलब इससे बड़ी लाइसेंस क्या हो सकती है कि वो मतलब उनका क्या है बीजेपी के साथ। मतलब बीजेपी के साथ उनका कुछ होता तो वो यहाँ पे होते, तो 2019 में जब सब लीडर्स को बंद किया गया तो रशीद साहब वाहिद ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो इस वक्त भी जेल में हैं, मतलब कोई ना कन्विक्ट हुए हैं ना कुछ, ना ट्रायल चल रहा है। तो ये मतलब बेबुनियाद बातें हैं, मतलब उनको डिफेम करने के लिए दूसरी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी ज़मीन जो इस वक्त तंग हुई है वो ये जो है ये झूठे नैरेटिव्स जो है इस वक्त चला रहे हैं। परसों शिबान अशाई ने हमें बयान दिया, तो उन्होंने ओपनली चैलेंज किया कि कोई भी रशीद की पार्टी से आया मैं बहस करता था, मैं उस पार्टी में था जब इन्होंने वोट भेजे, जब उन्होंने डीडीसी इलेक्शन हुए तब उन्होंने किसको वोट दिया, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा क्या हुआ कि शिबान अशाई आपकी पार्टी से दूर चले गए? आज वो लोगों में जब इस तरह के बयान देते हैं तो मतलब जाहिर सी बात है कि चलो आप भरोसा ना करें, मैं भरोसा ना करें, लोग तो भरोसा मतलब हो सकता है लोग भरोसा करें नहीं, मतलब हम उनसे क्या डिबेट करें, मतलब उनकी वर्थ जो है, उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वो आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में खुद ही देखा, मतलब कितने वोट उन्होंने लिए, उनकी जमानत जब्त हो गई, तो मतलब हम इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर हैं, हम इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेट के तौर पर उभर रहे हैं, तो मतलब कौन सा कंपैरिजन है कि हम उनके साथ डिबेट करें। अब मुझे बताइए कि जैसे पीडीपी है, एनसी है, उमर साहब को उन्होंने कहा कि जो वोट गया ये लोग आज भी एक वही सोच वही को चाहते हैं, इसलिए अंजर शीत जीते, आपको क्या उस पर? देखिए इमोशंस की बात जहाँ तक उमर साहब करते हैं वो आपने कल गांधरबल में देखा होगा, मतलब किस तरह से टोपी मतलब टोपी उतार के वो किस तरह से भीख मांगते थे लोगों के को वोट के लिए। मतलब जिस वक्त अबरार जो है अबरार जिस वक्त मतलब पार्टी के लिए इंजीनियर साहब के लिए एक 20-22 साल का लड़का जिस वक्त वोट मांगे तो उस वक्त इमोशनल वोट है, और इस वक्त उमर साहब अगर उमर साहब ने कुछ किया होता, अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो इस वक्त उनको भीख नहीं मांगनी पड़ती, तो इमोशंस के नाम पर तो इस वक्त उमर साहब वोट मांग रहे हैं, वो तो आपने कल देखा, मतलब वो इस वक्त इमोशंस जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो इस वक्त मतलब हमारे पास बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंटेड मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है कि हम किस बुनियाद पर इस वक्त वोट मांगेंगे असेंबली के लिए। क्या उस मैनिफेस्टो में वो जो इंजीनियर रशीद साहब बात करते थे कि रायशुमारी, क्या वो उसमें है? सबसे पहले आप हमें दिखाइए कि रायशुमारी जो है उन्होंने किसी भी मैनिफेस्टो में आज तक पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं लगाते थे कि है हक हमारा रायशुमारी, बिल्कुल वो सड़कों पर उतरते थे, वही उनको अरेस्ट किया जाता था, वो सेक्रेट में आते थे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो मैनिफेस्टो है पार्टी का वो सामने आएगा, आप खुद ही देखेंगे उसमें राजकुमारी है या वो खुद ही आप देख लीजिएगा, एक दो दिन में वो आएगा, डॉक्यूमेंटेड है, तो आपको भी हम सेंड करेंगे उसमें। और आप मुझे बताइए कि लोगों ने आपको वोट दिए लोकसभा में, मतलब किस उम्मीद से वोट दिए? क्या उनके बाद लोगों से आप मिले, उनकी मांगे ली आपने, इंजीनियर रशीद साहब तक पहुंचाए, क्या उन्होंने फिर आगे फॉरवर्ड किया? बिल्कुल मतलब उन्होंने जो लोगों ने जो वोट दिया आप खुद देख सकते हैं। मैं मतलब वसूकन आपको ये बात कहूँ कि लोगों के साथ जो हैं हम कनेक्टेड हैं। मैं वसूकन आपको ये बात कहूँ कि किसी भी पार्लियामेंट इलेक्शन में जीत के बाद उतने लोग किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के घर नहीं गए होंगे या उनके साथ कनेक्ट नहीं हुए होंगे जितने कि हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, और हमें बिल्कुल मतलब इस चीज़ का एहसास है कि हमें लोगों का काम करना है, इसीलिए वजह से मैंने भी नौकरी छोड़ी ताकि हम लोगों के जो है उनके मसले मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप पे ये एलिगेशन ज़रूर लगेंगे क्योंकि हमेशा भी इंजर शेर साहब MLA थे, मैंने सेक्रेटरी में कई बार उनसे बातचीत की, वो कहते कि जो खानदानी राज है वो हमने ख़त्म करना है, खानदानी जो हमने ख़त्म करनी है, उनके भाई जाहिर सी बात है कल को आप पे भी ये तंज होंगे, जो उनके बेटे उन्होंने कहा था कि हम लोकसभा में जब मेरे वालिद साहब जीतेंगे तो मैं ये पॉलिटिक्स क्विट करूंगा, अपना कॉलेज लाइफ ज्वाइन करूंगा, अब आप भी इसी में आ गए। उमर जो रशीद साहब कहते थे कि जो खानदानी राज ये ख़त्म करना है, खानदानी राज ख़त्म करना है जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि खानदानी राज ही नहीं बल्कि हम राज के खिलाफ है, हम खिदमत में यकीन रखते हैं। तो रशीद साहब ने जिस वक्त रिज़ाइन किया उस वक्त उनकी 15 साल सर्विस थी, मेरी भी इस वक्त 15 साल सर्विस है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी सोने का कोई सोने का तख्ता नहीं था उनके पास, कोई सोने की कुर्सी नहीं थी कि वो साइड में हो गई और मुझे वहाँ पे जगह दे दी, आप खुद देख लीजिए
पहले तो मैं ये बात आपको मतलब वाजह करूं कि अभी तक पार्टी ने कोई डिसाइड नहीं किया है कि मैं कंटेस्ट करूं या ना करूं, लेकिन मान लीजिए अगर मैं कंटेस्ट भी करता हूं तो आप देख लीजिए कि हम इसको खानदानी कुर्बानी कह सकते हैं, हम इसको खानदानी खिदमत कहेंगे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 15 साल सर्विस थी। जिस वक्त रशीद साहब सियासत में आए उस वक्त उनके पास 15 साल सर्विस उनके पास थी, और मतलब हम राज पे यकीन ही नहीं रखते हैं। राज तो तब हुआ ना, इस वक्त आप एक सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर के घर में हैं तो आपको दिख रहा है, कोई गाड़ियां दिख रही हैं आपको कोई PSOs कोई मतलब कारवां दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना, तो राज कहां से हुआ है? ये खिदमत है, राज नहीं है ये। तो हम ये बिल्कुल ना सिर्फ खानदानी राज बल्कि हम राज के ही खिलाफ है, हम राज लफ्ज़ के खिलाफ भी है खानदानी। जो अबरार ने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स मतलब कंटिन्यू नहीं करूंगा लोकसभा के बाद, उस पर क्या कहेंगे? मतलब पार्टी का डिसीजन था कि एज ए स्टार कैंपेनर मतलब उनकी जो है इस वक्त यूथ के साथ वो कनेक्टेड हैं इस वक्त, तो मतलब उनको ढूंढ रहे हैं लोग, मतलब मुमकिन नहीं है कि वो मतलब अपना फ़ोन बंद रखे इस वक्त, और जिन लोगों ने उस वक्त वोट दिया या जो लोग उस वक्त अबरार के साथ जुड़ रहे थे या हमारे साथ जुड़ रहे थे, तो आपको क्या लगता है क्या वो इस वक्त मतलब उनसे रब्ता मुनक़ता कर सकता है, नहीं कर सकता है? जो BJP कह रही है कि इस बार जम्मू कश्मीर में हमने 370 के बाद मतलब जम्मू कश्मीर के जो हालात है वो बेहतर किए हैं, अब कश्मीर में हमारा कमल खिलेगा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, BJP का कमल तो वहाँ जम्मू में भी नहीं खिलेगा, यहाँ की बात ही नहीं है। उनके हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं वहाँ जम्मू में भी, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ की बात ही नहीं है। मतलब यहाँ मुझे नहीं लगता है, आप खुद एक अच्छे पत्रकार हैं, आप जिन पार्टियों को उन्होंने सपोर्ट किया था वो पार्टियाँ आज कहती हमें हमारी अलायंस किसी के साथ नहीं थी, उनके लिए क्या? बिल्कुल आज वो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्थ में भी नहीं दिख रहे हैं, हालत ख़राब है उनकी। तो एक इस वक्त जो मुतबादल है, एक अल्टरनेट जो है इस वक्त अवामी इत्तेहाद पार्टी लोगों को दिख रही है, और जो यहाँ की जो रीजनल रिवायती जो सियासी पार्टियाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, उनके मतलब उनका अल्टरनेट इस वक्त अवामी इत्तेहाद पार्टी दिख रही है। आप एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है क्योंकि अब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, आप कंपेन करेंगे, लेकिन कश्मीर में जो अफवाह फैलती है वो कोई लोग सच मानते हैं, और अफवाह बहुत तेज़ फैलती है कश्मीर में। आप पे ये एलिगेशन लग रहे हैं कि जो वर्कर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग आपसे ज्वाइन कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि आपके लोग कॉन्टेस्ट करने के बाद भाजपा को सपोर्ट करें, क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं, भाजपा को क्यों सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने वादा करते हैं कश्मीरियों के साथ कि कल को आप जीतेंगे, तो लाइक माइंडेड पार्टीज को ही आप सपोर्ट करेंगे कि वो सरकार बनाए? आपने खुद देखा होगा कि जो लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, जो कि किसी पोलिटिकल पार्टी से भले ही वो गिने चुने लोग हों, लेकिन हम उनको एक बाज़ाबता एक ओथ दिलाते हैं। आपने खुद देखा होगा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस वक्त वो ज्वाइन करते हैं उस वक्त हम उनको ओथ दिलाते हैं कि वो पार्टी के मंशूर के तहत चलेंगे, और पार्टी का मंशूर बिल्कुल और वाजिया यही है कि हम जो है भाजपा और जो यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी जो उनके जो सियासी इस्तेसाली जो है वो ख़त्म करने के लिए। मुझे बताइए, जिस तरह NC है, कांग्रेस ने अलायंस किया है, उनने कहा कि फ़िलहाल हम भाजपा को बाहर निकालें, अगर कल को NC और कांग्रेस को सीटों की ज़रूरत पड़ती है, आपके कैंडिडेटों की ज़रूरत पड़ती है सरकार बनाने की, क्या आप सपोर्ट करेंगे उनको? वो तो उसी वक्त देखा जाएगा, जिस तरह से मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो ये 5 साल खुसूसन जो रशीद साहब के साथ जो उन्होंने बोया होगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम देखें। रशीद साहब का अलग है, कल को अपनी सरकार बनानी जम्मू कश्मीर के लिए, पहले आपने ऑप्शन क्या रखा है, भाजपा को बाहर निकाला है, कांग्रेस NC को बाहर? नहीं, दोनों को बाहर करना है, भाजपा को भी बाहर करना। अकेले सरकार बनाना आपको पॉसिबल नहीं है, तो फिर किसके साथ आप जुड़ेंगे? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? हम एक अच्छी अपोजिशन में बैठेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब हमारे पास हम कोई एस्पायर नहीं करते हैं कि हमें कोई मतलब हुकूमत चाहिए, हम एक अल्टरनेट देख रहे हैं। मेरा अहम सवाल ये है कि कल को भाजपा और NC कांग्रेस सरकार बनाती है, आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्या आप मौका देंगे कि भाजपा की सरकार बनाए, ऐसा करेंगे आपकी मतलब उस टाइम आप जुड़ जाएंगे? ये लाइक माइंडेड पार्टी, इस वक्त तो ये हाइपोथेटिकल है, आप खुद नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल आपका क्या चॉइस रहेगा, नंबर भाजपा को बाहर निकालेंगे या उनको अंदर? उनके क्या नंबर्स होंगे, इनके क्या नंबर्स होंगे, हमारे क्या नंबर्स होंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारे 45 मेंबर्स आए और हम खुद ही सरकार बनाए। कौन पार्टी ऑप्शन रहेगा कि भाजपा को बाहर निकाले? ऑप्शन उस वक्त पार्टी देखेगी, मतलब ये तो मैं कोई इंडिविजुअल डिसाइड नहीं कर सकता हूँ उस वक्त क्या होगा ऑप्शन। अबरार और आप कॉन्टेक्ट करेंगे? नहीं, मतलब मैंने पहले ही आपको कहा कि अबरार तो कंटेस्ट नहीं करेंगे, और इवन की हालात ने हमें मजबूर किया इस वक्त जो है मुझे इस वक्त सियासत में आना पड़ रहा है, अदरवाइज़ आप खुद देख सकते हैं मैं कोई स्टेज वगैरह शेयर नहीं करता था, मतलब मैं एक अपनी एक सिंपल लाइफ जो है एक गुजारता था, बट ऐसे हालात बने 2019 के बाद, स्पेशली जो रशीद साहब
साहब को जो है सियासी साजिश के तहत जो है उनको जेल में रखवाया गया, या इस वक्त भी जब मतलब उनकी बेल के लिए ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त उस अदालत में होती है, तो किस तरह इस वक्त भी माहौल बनाया जा रहा है कि वो जेल में ही रहे, एक डर का, खौफ का और एक मतलब अफवाहों का बाजार यहाँ गर्म किया जा रहा है। तो इस वजह से उन लोगों को जो जिन्होंने इस्तेसाल किया उनको काउंटर करने के लिए जो है मुझे ज़रूरत महसूस हुई और मैंने जो है पार्टी की जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे अंजू रशीद के भाई खुर्शीद साहब, जिन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ दी और ये कहा कि हमें मजबूरी बनी कि अंजू रशीद साहब बाहर नहीं है तो लोग हमें चाहते हैं लोगों से बातचीत करने की और लोगों और सरकार के बीच में हम ब्रिज बने, उनकी मसाइल हल करें। लेकिन क्या कुछ उनसे मैंने सवाल पूछे आप किस हद तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।